तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्री एलिमेंट्स में। तो दोस्त, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत की सभी प्रमुख नदियाँ, टॉप 10 नदी ऐसे हम बताएंगे जिसका डिस्टेंस आप लोग को आज पता चल जाएगा कि कितनी दूरी है, कितनी दूरी कहाँ से कहाँ तय करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो भारत की नदियाँ हैं वो कहाँ से कहाँ तक निकली हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं भारत की नदियाँ का डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले गंगा नदी का डिस्टेंस कितना है। देखिए लिखा है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग कोई गेस कर सकता है कितनी लंबाई है? नहीं तो मैं बता दूँ आपको कि लंबाई है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए है 1440 किलोमीटर, बी है 2510 किलोमीटर, सी है 1080 और डी है 1180। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। ये बोल रहा है 2880 किलोमीटर, बी बोल रहा है 2510 किलोमीटर, सी बोल रहा है 1080 किलोमीटर, डी बोल रहा है 690 किलोमीटर। तो मैं सही उत्तर बता दूँ आपको, सही उत्तर इसका है ए, 2880 किलोमीटर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। लिखा है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो ए दिया है आपका 600 किलोमीटर, बी दिया है आपका 700 किलोमीटर, सी दिया है 1275 किलोमीटर, डी दिया है 1375 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, 1375 किलोमीटर होता है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घाघरा नदी की लंबाई कितनी है। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है, ए दिया है 1080 किलोमीटर, बी दिया है 1180 किलोमीटर, सी दिया है 890 किलोमीटर और डी दिया है आपका 720 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए, ए सही है, 1080 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1290 किलोमीटर, बी दिया है 1350 किलोमीटर, सी दिया है 1465 किलोमीटर और डी दिया है 1312 किलोमीटर। तो इसमें मैं बता दूं कि ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है, 1465 किलोमीटर। तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं बिना देरी के। सबसे छोटी नदी कौन सी है, आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। ए 190 किलोमीटर है, इसमें ए है सोम नदी, बी है वेडस नदी, गंगा नदी और डी है तवा नदी। तो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइए कौन सी नदी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सही जवाब है बी, वेडस नदी। ये सबसे छोटी नदी है वेडस नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल ही प्रदेश में अपने पास रह जाती है। और चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, ए दिया है 805 किलोमीटर, बी दिया है 1312 किलोमीटर और सी दिया है 570 किलोमीटर और डी दिया है 602 किलोमीटर। तो मैं सही उत्तर बता दूं आपको क्या है, सही उत्तर आपका है 805 किलोमीटर, सही जवाब है आपका 805 किलोमीटर, विकल्प ए सही है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कृष्ण नदी की लंबाई कितनी है, सॉरी कृष्ण नदी की लंबाई कितनी है, ए दिया है 1400 किलोमीटर, बी दिया है 1290 किलोमीटर और सी दिया है 418 किलोमीटर, डी दिया है आपका 500 किलोमीटर। तो सही इसका उत्तर है, आपको बता दूं 1400 किलोमीटर। ठीक है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, ए दिया है 716 किलोमीटर, बी दिया है 724 किलोमीटर एंड सी 602 यानी 602 किलोमीटर और डी दिया है 616 किलोमीटर।
तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन बी सही है, बी 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई है। और मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको ये कहां से कहां तक इसका डिस्टेंस है, कहां से किधर, किस गांव से किधर जाती है। ओके, तो हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं गंडक नदी की लंबाई कितनी है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है, ए दिया है आपका 814 किलोमीटर, बी दिया है 960 किलोमीटर, और सी दिया है 425 किलोमीटर, और डी दिया है 412 किलोमीटर। तो सही इसका जवाब है क्या आपका, ए 814 किलोमीटर। ये गंडक नदी कहाँ से कहाँ जाती है मैं आपको, आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि किस कौन सी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है और उसका डिस्टेंस भारत में कितनी है और उत्तर प्रदेश में कितनी है, बिहार में कितनी है। तो मैं जैसे कि मैं बता दूं, गंगा नदी है आपका 2500, जैसे गंगा नदी है आपका 2510 किलोमीटर है, जो कि 500 किलोमीटर आपका बांग्लादेश में चले जाता है, बंगाल की खाड़ी आप लोग सुनेंगे, 500 किलोमीटर ये बंगाल में चला जाता है। ठीक है, तो बाकी जितना बड़ा बचा आपका 2010 जितना बच रहा है आपका, और शेष बचेगा कितना, 2010 किलोमीटर आपके भारत में है। ओके, तो आप लोग जो बताएंगे, जैसे बताएंगे हम वैसे वीडियो बना देंगे। तो आप लोग मेरे एग्री एलिमेंट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद।